नमस्कार दोस्तों, आज हम पैनक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, सीनियर ऑंको सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑंकोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर। पैनक्रियाटिक कैंसर एग्जैक्टली क्यों होता है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है ये इसमें पैनक्रियाटिक कैंसर बनने का रिस्क हाई है ये देखा गया है। जैसे कि एज, जैसे एज बढ़ता है पैनक्रियाटिक कैंसर बनने का चांसेस अपने आप बढ़ जाता है। मैक्सिमम पैनक्रियाटिक कैंसर से आफ्टर 60-65 ईयर्स एज पाए जाते हैं। जो लोग ओबेज है, जिनमें डायबिटीज़ है, उनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर बनने का रिस्क हाई रहता है। जिसको क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है, पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, जैसे कि मोस्टली ये अल्कोहल की वजह से रहता है, कभी कभी नॉन अल्कोहलिक भी रहते, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग पैनक्रियाटिक कैंसर। जो अल्कोहल लेते हैं, सब प्रमाण से ज़्यादा लेते हैं, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन सॉफ्ट ड्रिंक भी, जो एक्सेसिव 200 से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक डेली लेते हैं, इनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर बनने का रिस्क हाई रहता है। इसके अलावा कुछ मेटल और केमिकल इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, जैसे डाई इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री है, इसमें जो काम करते हैं उनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर बनने का चांसेस हाई रहता है। तो ऐसे लोगों ने जरूर जरूर अगर कुछ भी सिम्टम आते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के, जैसे जो हमने डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आए तो उन्हें जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो मेटल इंडस्ट्रीज के अलावा, जो केमिकल्स है, इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी है जिसमें पैनक्रियाटिक कैंसर हाई चांसेस हाई रहते हैं। जैसे कि जिस किसी को BRCA म्यूटेशन है तो उसमें पैनक्रियाटिक कैंसर बनने के चांसेस हाई रहते हैं। किसी को हम प्यूट जेगर सिंड्रोम बोलते हैं, जो मुंह के आसपास है वहाँ पे ब्लैकिश पैचेस आते हैं, मेलानोमेटिक पैचेस बोलते हैं हम इसको, तो इनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर बनने के चांसेस हाई रहते हैं। और कुछ सिंड्रोम्स है, जैसे वॉन हिप्पल-लिंडू सिंड्रोम और बहुत सारे सिंड्रोम है, पॉलीपोसिस कोलन सिंड्रोम, तो इनमें भी पैनक्रियाटिक कैंसर बनने की रिस्क हाई रहती है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स भी है, तो जिसको फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर है, इसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से इनमें पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क हाई रहता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।